पीएम मोदी ने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया। केंद्रीय मंत्रियों को उनका विभाग मिल गया है। अमित शाह को गृह मंत्रालय, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय दिया गया है और अमित शाह को एक बार फिर से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, पहले भी इन्हें रक्षा मंत्रालय दिया गया था। एस जयशंकर को भी पहले विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी और एक बार फिर से वही मंत्रालय उनके नाम है। निर्मला सीतारमण को भी वित्त मंत्रालय दोबारा दिया गया है। नितिन गडकरी की बात करें तो इन्हें भी सड़क और परिवहन मंत्रालय दोबारा दिया गया है। गिरिराज सिंह, जो बिहार के फायर ब्रांड नेता हैं, उन्हें टेक्सटाइल इंडस्ट्री दी गई है। बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण मंत्रालय। चिराग पासवान की बात करेंगे, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री उन्हें बनाया गया है। जैसे कि उनके पिता और चाचा को भी यही जिम्मेदारी दी गई थी। जीतन राम मांझी को लक्ष्य और अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। जीतन राम मांझी की बात कर रहे थे, उन्हें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय मिला है। शिवराज को कृषि एवं किसान मंत्रालय दिया गया है, शिवराज सिंह चौहान को। तो ये अहम मंत्रालय है जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय मिला है, बहुत ही अहम जिम्मेदारी। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री बनाए गए हैं। पीयूष गोयल को, जिन्हें पहले रेल मंत्रालय मिला था, उन्हें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाया गया है। इसके बाद अश्विनी वैष्णव की चर्चा कर लेते हैं, उन्हें रेल मंत्रालय दिया गया है, रेल मंत्री बनाए गए हैं अश्विनी वैष्णव। ललन सिंह जो कि बिहार से हैं, उन्हें बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, पंचायती राज मंत्री उन्हें बनाया गया है। नित्यानंद राय की बात कर लेते हैं, पहले भी गृह राज्य मंत्री थे, एक बार फिर से इन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। रामनाथ ठाकुर जो बिहार से हैं, कृषि राज्य मंत्री बनाया गया है। तो बिहार के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां बिहार के मंत्रियों को। झारखंड से संजय सेठ, रांची से इस बार लोकसभा का चुनाव जीता रक्षा राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया है। इसके बाद सतीश चंद्र दुबे की बात करें तो कोयला एवं खनन राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया है। साथ ही साथ राजभूषण चौधरी को जल शक्ति राज्य मंत्री बनाया गया है और इन्हें भी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। मनसुख मांडविया को श्रम मंत्री बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले एविएशन मिनिस्टर थे, इन्हें संचार मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कम्युनिकेशन मिनिस्टर। किरेन रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया है। महिला एवं विकास कल्याण मंत्रालय दिया गया है। इसके साथ साथ भूपेंद्र यादव की बात करेंगे, उन्हें पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। तो पर्यावरण मंत्रालय भी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है भूपेंद्र यादव के लिए। जी किशन रेड्डी को कोयला एवं खनन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो आज मोदी कैबिनेट में किसे किसे कौन सा मंत्रालय दिया गया, इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जी किशन रेड्डी को कोयला एवं खनन मंत्रालय दिया गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए अन्य नामों की भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन इसके अलावा आपको बताएंगे कि किस तरीके से मोदी कैबिनेट 3.0 में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया गया है। और चलिए मोदी 3.2 में कैसे मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हुआ, उसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं, इस खबर को समझाते हैं। अमित शाह फिर से गृह मंत्री बनाए गए हैं। गृह मंत्री का पद प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा पद माना जाता है। गृह मंत्री के पास आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है और देश का बड़ा पुलिस बल इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। नितिन गडकरी को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय दिया गया है। अजय टमटा और हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री। एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय, पहले भी दिया गया था, एक बार फिर दिया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, अमित शाह को गृह मंत्रालय, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय दिया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत सारी अहम जिम्मेदारियां इन मंत्रालयों में इन मंत्रियों को दी गई हैं और अमित शाह फिर से गृह मंत्री बने हैं। गृह मंत्री का पद प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर का है। गृह मंत्री के पास आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है और देश का बहुत बड़ा पुलिस बल इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। राजनाथ सिंह की बात करें तो राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। राजनाथ सिंह फिर से रक्षा मंत्री बने हैं और रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। सरकार में रक्षा मंत्री का पद बहुत ही ज्यादा विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रक्षा और सुरक्षा संबंधी मामलों पर नीति निर्देश बनाना और बनाई गई नीतियों को लागू कराना इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
बिहार की अगर हम बात करेंगे तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की बात करेंगे, जिन्हें पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ये बनाए गए हैं। बिहार के नजरिए से बहुत ही अहम मंत्रालय, इसके पहले ये मंत्रालय गिरिराज सिंह के पास था। पंचायती राज के जरिए गांव का विकास वो कर सकते हैं, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के जरिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए जा सकते हैं। यानी 2025 के लोकसभा चुनाव के पहले ललन सिंह बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि इस मंत्रालय के तहत उनका कार्य कैसा होता है। जीतन राम मांझी की बात करेंगे, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाए गए। बिहार के नजरिए से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। बिहार में छोटे और मध्यम उद्योग की बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर जीतन राम मांझी ने अच्छे से काम कर दिखाया तो बिहार का कायाकल्प हो सकता है और पलायन को एक हद तक रोका जा सकता है। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। पशुपति पारस इस विभाग को पहले भी संभाल चुके हैं। खाद्य पदार्थों की प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य पदार्थों को प्रोसेस कराना इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आसान शब्दों में कहें तो मुजफ्फरपुर की लीची और भागलपुर में आम का उत्पादन अधिक होता है। आम लीची की पैकेजिंग कर देश दुनिया में बेचने की व्यवस्था फूड प्रोसेसिंग विभाग के अंतर्गत आती है। बिहार के लिए ये मंत्रालय वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि बिहार की ज्यादातर आबादी खेती पर निर्भर है और युवा चिराग ने इस ओर अगर ध्यान दिया तो बिहार की तस्वीर बदल सकती है। कपड़ा मंत्री यानी कि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट इन्हें दिया गया है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं ये। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री बनाया गया है। भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से पूरे देश भर में मशहूर है और विदेशों में भी। बिहार में बहुत मांग है टेक्सटाइल की और गिरिराज सिंह के मंत्री बनने से सिल्क उद्योग को बहुत बड़ा बढ़ावा मिल सकता है और जब उद्योग बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और इससे बिहार का कायाकल्प भी होगा। बढ़ते आगे, रामनाथ ठाकुर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। रामनाथ ठाकुर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। बिहार कृषि प्रधान राज्य है और रामनाथ ठाकुर बिहार के किसानों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बिहार के किसानों की दशा और दिशा बदली जा सकती है। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री बनाए गए हैं। नित्यानंद राय को फिर से गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। गृह मंत्रालय के पास देश के अंदरूनी सुरक्षा की जिम्मेदारियां होती है और प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री दूसरा सबसे ताकतवर मंत्री होता है। उसी गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री होना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी बात है। सतीश चंद्र दुबे कोयला और खान राज्य मंत्री। सतीश चंद्र दुबे को कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। कोयला और खनन मंत्रालय को बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता है, क्योंकि पूरे देश में खनन का काम इसी मंत्रालय की जिम्मे होता है और बिहार की अर्थव्यवस्था में खनन का बहुत बड़ा योगदान है। कोयला राज्य मंत्री के तौर पर सतीश चंद्र दुबे बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और लोगों के लिए शुद्ध जल बहुत जरूरी है। शुद्ध जल घर घर तक पहुंचाना इसी मंत्रालय का काम है और सरकार घर घर तक नल का जल इसी मंत्रालय के जरिए पहुंचाती है। बिहार में वैसे तो नल का जल योजना चल रही है और इस मंत्रालय के जरिए बिहार के लोगों के लिए बहुत कुछ करने की संभावना जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर हम समझ सकते हैं कि बहुत सारी अहम जिम्मेदारियां बिहार के मंत्रियों को दी गई है। देखने वाली बात होगी कि बिहार के लोगों की उम्मीदों पर ये मंत्री कितने खड़े उतरते हैं और बिहार के विकास को कहां तक लेकर जाते हैं।